हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली रेजुलम ने अपना एक नया वर्जन 7.17.3 जस्ट लॉन्च कर दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या नया क्या पुराना है। तो इससे पहले भी एक वर्जन उन्होंने किया था, जस्ट अभी लेटेस्ट में पिछले कुछ दिनों से ही इसमें काफी अपडेट्स आए हैं और नए से नए वर्जन लॉन्च हुए हैं। बट उसमें कुछ ना कुछ इशू था, जैसे इससे पहले वाले वर्जन में कुछ ऑडियो इशू, बट अभी का जो वर्जन है इसमें ये स्टेबल है। तो इसके अंदर क्या नया है क्या पुराना है, तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ नया प्लगइन्स आए हैं एक दो, तो उसके बारे में, जैसे स्लाइसर, रिफाइनर, तो इसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, और जिसने वो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और जो पुराने हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और नंबर दो कि प्लीज जो चैनल है वो उसके मेंबरशिप को ज्वाइन करें, तो इस प्रकार के अनलिमिटेड आपको डिजाइन्स वगैरह अवेलेबल मिलते रहेंगे 4K में, और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और नंबर दो, हम लोग हर मेंबर्स के लिए वीक में एक या दो बार जो लाइव क्लासेस का है वो भी शुरू कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग मैपिंग से रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं लाइव होकर, और वो सिर्फ मेंबर्स के लिए रहेगा। तो उसमें आप बेसिक्स टू लेके एडवांस तक किसी भी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, उसका सॉल्व करेंगे, या आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज ज्वाइन द चैनल, और अभी तो कुछ ज्यादा चार्ज में नहीं है, ओनली 89 के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओनली 89, मतलब एक बर्गर का प्राइस भी नहीं है, ठीक है? तो पूरा मंथ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में कुछ मुझे वैसे तो नहीं लगा कि आप लोग क्या इसमें है, बट जो मेन एक है रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डिंग में हम लोग जो ये लेयर जैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इस लेयर को, तो इसमें क्या था कि पहले हम लोग ओनली कंपोजिशन रिकॉर्डिंग कर सकते थे, मतलब मास्टर हमारा जो जा रहा है वही रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास काफी कुछ आ गया है, इसमें सोर्स दे दिए कि आपने क्या, आप इसको एडवांस आउटपुट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एक्चुअल में इसमें लेयर्स भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तो आपका ये प्लस पॉइंट आया, एंड ये ऑलरेडी पहले था। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कि यहाँ लिखा आता है कि आफ्टर रिकॉर्डिंग। आफ्टर रिकॉर्डिंग आप क्या चाहते हो कि इसमें भी ये नया दिया, इन्होंने दे दिया कि आप प्लेस इन इम्पीटिंग क्लिप स्लॉट, ताकि आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो किसी, यहाँ पर जब आप रिकॉर्डिंग ऑफ करोगे तो यहाँ किसी ना क्लिप के अंदर आ जाएगी, ठीक है? तो ये भी अच्छा एक, तो ठीक है। और नंबर दो, ये आपका प्रीसेट में काफी बढ़ा दिया है इसको। पहले क्या होता था कि DXV के अंदर ये आपका प्रीसेट आते थे, लेकिन अभी इन्होंने काफी मोशन JPG या H.264 कर दिया है, इसने लो क्वालिटी है, मतलब ये काफी प्रो एसएस ये कर दिया है। तो इस चीज में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और बाकी तो आप लोग यूज करके इसको बताएंगे। और बाकी मैंने ये बताऊं तो मैंने कुछ ज्यादा इफेक्ट वगैरह नहीं देखे हैं इसके, ये क्या इसके अंदर इफेक्ट है और कितना कुछ इफेक्ट ऐड किए हैं या नहीं किए हैं, और बाकी आप यूज करेंगे तो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है तो आप डाउनलोड कीजिए और देखिए इसके अंदर क्या है नया है और क्या पुराना है। और चलिए दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग एक प्लगइन की। तो यहाँ एक नया प्लगइन आया है अपने पास स्लाइसर रिफाइनर के नाम से। तो ये क्या करता है, जैसे हमने स्लाइस स्टॉप में देखा तो वैसे ही ये स्लाइस स्टॉप की जगह, सॉरी स्लाइस एज में हमने देखा, तो वैसे ही ये वर्क करता है, स्लाइस एज ही बनाता है। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें
आपका चेंजिंग है, तो वो चीज देखते हैं कि वो कैसे है बनता है। तो चलिए मैं जाता हूँ यहाँ आउटपुट एडवांस सेटिंग्स में, एडवांस सेटिंग में जाकर मैं जाता हूँ यहाँ न्यू पे, और कुछ स्लाइस बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे मैंने एक ये बनाया एंड देन डुप्लीकेट दिस वन एंड डुप्लीकेट दिस वन एंड डुप्लीकेट दिस वन एंड डुप्लीकेट। ये मैंने एक सेंटर का और बना लिया दिस वन एंड इसे डुप्लीकेट किया और यहाँ ले आई। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ स्लाइस बन गई है। तो सिंपली मैंने यहाँ से इनको सेलेक्ट किया इनपुट एंड मैच आउटपुट शेप्स देन ओके। ठीक है, तो मेरी ये स्लाइस यहाँ शो हो जाएगी यहाँ पर स्क्रीन वन में। तो मेरे पास ये स्लाइस शो हो गई है। तो सिंपली मैंने ये प्लगइन को यहाँ पर रखा ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो इसमें आपके एक तो ग्रुप वन आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ स्लाइस लिया, यहाँ स्लाइस अगर आपको शो नहीं करे तो आपने सिंपल जाना है व्यू के अंदर एंड यहाँ पर शो स्लाइस का चेक कर देना है। तो आपकी यहाँ स्लाइस का एक फोल्डर अलग से आ जाएगा, आप वहां से स्लाइस को देख सकते हैं। तो ये ग्रुप वन के अंदर मैंने ये पहला ड्रॉप कर दिया, क्रॉप किया, तो मेरा ये स्लाइस कुछ इस टाइप से ग्राउंड कॉर्नर के जैसा बन के आ गया है। ठीक है, राइट। तो कुछ सेटिंग्स हैं तो इसकी आप कर सकते हो, जैसे ये सेटिंग्स मैंने किया यहां से। ठीक है, और इस टाइप से, राइट। और आप देखेंगे कि ये एजेस वन साइड से इस टाइप से बन के आ गया है। और अगर मुझे इसको नीचे से भी करना है तो मैं इसे नीचे से भी इस टाइप से कर सकता हूँ। तो ये चीजें कुछ यहाँ पर थी। और उसके बाद में यहाँ ग्रुप टू में आइए, यहाँ स्क्रीन फिर ड्रॉप कीजिए आप। तो यहाँ देखेंगे कुछ और आपका इस टाइप से बन गया है। अगर आपने इसको डबल करना है तो आप डबल कर सकते हैं, इसको सिंगल रखना है सिंगल रख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से अगर मैं इसे ऑफ करता हूं तो बिल्कुल ये बिल्कुल डबल, यहाँ देखेंगे डबल लेयर बन जाएगी। ये देखेंगे आप इस टाइप से एक डबल लेयर बन जाएगी। और लेकिन आपके चारों कॉर्नर के पोजीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, टॉप लेफ्ट टॉप राइट बॉटम एंड बॉटम राइट। ठीक है, तो आप चारों के चारों कॉर्नर को यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं ये इस कोने को हिला रहा हूँ तो आपका ये वाला कोना और इस कोना, ये वाला कोना और ये वाला आपका इफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से। तो इसी तरह इसमें टोटल 3 से 4 ग्रुप दिए हैं, टोटल 4 ग्रुप दिए। उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये सॉफ्टनेस दिया हुआ है आपका इस टाइप से है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से इसको और यहाँ से इसके स्टॉक विथ को बढ़ाई जा सकती है कि आपको वो जो इसका साइज है वो कितना है, किस टाइप से चाहिए। देन उसके बाद यहाँ कलर पे आते हैं हम लोग। कलर कलर कोई भी पर्टिकुलर कलर सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस कलर में एक बॉर्डर चाहिए। देन उसके बाद हमारा अगर हमें कंटिन्यू बॉर्डर चाहिए तो हम लोग इस टाइप से यहाँ पर इस टाइप से बॉर्डर बना सकते हैं इस टाइप से। तो बहुत ही अच्छा ये प्लगइन है और इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद में आप बताएं कि यार वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और यार आप वीडियो प्लीज देखते हो तो प्लीज मुझे लग रहा है कि आप कमेंट नहीं करते, ना लाइक करते हो इतना ना कमेंट करते हो, सिर्फ ओनली वीडियोस देखते हो। तो यार प्लीज ऐसा नहीं है, कुछ प्लीज कमेंट और लाइक जरूर करें वीडियो को। तो बने रहें ऐसे एक नई वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए गुड बाय।